हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों हम इंग्लिश की कॉपी में कैपिटल लेटर वाई बनाएंगे। वाई के बाद आपका बस एक जेड और रह जाता है, फिर आपकी अल्फ़ाबेट्स सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम ये वाई बनाएंगे। देखिए एक्स आप लास्ट वीडियो में एक्स तक आप बनाना सीख चुके हैं। वाई वाई के लिए देखिए आपको करना क्या है, ये अपर थ्री लाइन्स में ही होगा और यहाँ से सबसे पहले आपको इस तरीके से स्लैंटिंग लाइन बनानी है। स्लैंटिंग लाइन बनाने के बाद ऊपर वाली मिडिल लाइन से लेकर और ऊपर वाली रेड लाइन तक आपको एक ये छोटी स्लैंटिंग लाइन बनानी है। इस तरीके से देखिए ये स्लैंटिंग लाइन्स आपकी बनेगी। पहले आप इस तरह से डॉट लगवा लीजिए, ये डॉट्स लग गए आपके, इन डॉट्स को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर यहाँ से ऊपर वाली रेड लाइन से लेकर मिडिल लाइन तक आपको इस तरीके से स्लैंटिंग लाइन बनानी है, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन और राइट स्लैंटिंग लाइंस। ये देखिए आप इस तरीके से थ्री डॉट्स भी लगवा सकते हैं और एक डॉट आपको ये ऊपर लगवाना है। अब ये इस तरीके से आप इसको सारे डॉट्स को ज्वाइन कर लीजिएगा, स्लैंटिंग लाइन बन गई आपकी। ये आपने एक डॉट ऊपर लगवाया है तो ये मिडिल लाइन से लेकर ऊपर वाले डॉट को आप ज्वाइन कर लीजिए यहाँ से। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए इस तरीके से आप डॉट्स लगवा लीजिए, फिर आप ये डॉट्स ज्वाइन कीजिए, स्लैंटिंग लाइन बनी। मिडिल लाइन से लेकर आप जो अपर वाली लाइन पे, टॉप वाली लाइन पर आपको रेड वाली लाइन पर आपने ये डॉट लगवाया है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ये देखिए वाई वाई के लिए आप इस तरीके से डॉट्स डलवाइए पहले। ये देखिए ये हो गए थ्री डॉट्स इस तरीके से और ये वन डॉट टॉप वाले लाइन पर। आप सबसे पहले ये थ्री डॉट्स को ज्वाइन कर लीजिए, स्लैंटिंग लाइन बनी आपकी। फिर मिडिल वाली लाइन पर आपको पेंसिल रखनी है और टॉप वाली लाइन पर इस तरीके से जो डॉट है उसको ज्वाइन कर लेना है। ये देखिए वाई वाई फोर याक और वाई फोर याच। ये देख डॉट्स डलवा कर आपको ये बहुत ही ईजी से अपना पाएंगे इसको। ये देखिए स्लैंटिंग लाइन के लिए आपको ये थ्री डॉट्स डलवा लेने हैं और एक डॉट आपको ये ऊपर वाली रेड लाइन पर लगवाना है। डॉट्स ज्वाइन कीजिए, ये देखिए अब कितना ईजी हो गया बनाना। ये सारे डॉट्स ज्वाइन कर लीजिए, स्लैंटिंग लाइन्स बन गई आपकी। फिर आपको ये देखिए इसी तरीके से आपको ये फुल पेज कंप्लीट करना है स्टूडेंट्स, और A to Y तक आपको राइट करने की प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट्स।